हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्वेता रसोई घर। तो आज बना रही हूँ पूर्णिमा स्पेशल प्रसाद, यानी चावल की खीर बना रही हूँ जो पूर्णिमा में बनाई जाती है। तो चलिए बनाती है स्पेशल खीर। तो सबसे पहले यहाँ पे खीर बनाने वाली यानी छोटे दाने वाले चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। चावल को वॉश करने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो अच्छे से निकाल ले। तब इसे थोड़ी देर के लिए पहले फ्राई कर लूँगी यानी भून लूँगी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। घी गर्म होने पे इसी के साथ मैं चावल ऐड कर दूँगी और इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ी देर भून लेना है। तो यहाँ पर मैं चावल को चला रही हूँ और थोड़ी देर भून रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर चावल को भून रही हूँ अच्छे से। ये खीर बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से आप भी एक बार खीर बना के देखिए। तो यहाँ पे चावल को मैंने भून लिया है। तो अब जो है वो गैस ऑफ कर दूंगी और दूध को मैंने पहले भी उबाला हुआ था, मैंने उबला हुआ दूध यहाँ पे यूज किया है। तो दूध में ऐड कर रही हूँ मलाई। ये खीर जो है वो बहुत ही मलाईदार होगी। मैंने दूध को पहले भी उबाल लिया था, उसके बाद मैंने ऊपर से भी दूध ऐड किया है और दूध को अच्छे से उबाल आने दूंगी। दूध उबाल आने के बाद इसमें मैंने इलायची ऐड कर दिया। इलायची को मैंने हल्का सा क्रश करके ऐड किया है। तो दूध उबल चुका था, पहले भी उबला हुआ था, तो इसमें मैंने जो चावल को फ्राई किया था घी में वो ऐड कर दिया है मैंने। चावल ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लूँगी और इस खीर को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाऊंगी ताकि चावल अच्छे से पक जाए और बीच बीच में मैं चावल को चलाते रहूँगी। खीर बहुत ही जल्दी इस तरह से बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए खीर में गाढ़ापन भी आ गया है एंड मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पका रही हूँ। जब चावल लगभग पक जाए तब इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। तो मीठा के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी ऐड कर दिया है। चीनी ऐड करने के बाद भी इसे मिक्स कर लूँगी और आपको जिस तरह से खीर पसंद हो, चाहे पतला हल्का सा या फिर गाढ़ा या फिर पूरा ड्राई पसंद हो, तो वैसा आप खीर रख सकते हैं। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे पिस्ता बादाम ऐड कर दिया है। अपने मनपसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो खीर बस हो गई है, गैस को ऑफ कर दूंगी। खीर में देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है एंड ये खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल के इसके ऊपर तुलसी पत्ता ऐड कर दूंगी, क्योंकि कोई भी प्रसाद में तुलसी पत्ता जरूर ऐड करना चाहिए। पूर्णिमा स्पेशल खीर एकदम रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।